मार्बल जिसे हमने नगरोटा से उसकी स्किन कंडीशन की वजह से रेस्क्यू किया था, इस हफ्ते उसके केयरटेकर्स उसके बच्चे को भी यहाँ पर ले आए हैं। उस टाइम पे बच्चे पकड़ में नहीं आए थे तो सिर्फ मार्बल को ले आए। आज उन्होंने बच्चों को देख लिया तो देवालय के हम ले आ सकते हैं। दो थे, एक हाथ में आ गया एक भाग गया। दोनों बच्चों को ही काफी सीरियस मेंज का प्रॉब्लम था जिसके बड़ी मुश्किल से पकड़ा था, पौना घंटा लगा था। नहीं आया पकड़ में, एक डेढ़ किलोमीटर घुमाया उसने, नहीं आया। हम दूसरे बच्चे को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें मिली नहीं है। मार्बल और जो उसका बच्चा है दोनों एक ही कैनल में साथ रह रहे हैं ताकि दोनों स्ट्रेस फ्री रहें और इनकी हीलिंग भी इससे काफी अच्छी हो सकती है। जैसे ही दोनों ठीक हो जाते हैं हम मार्बल की स्पेस सर्जरी कर देंगे और दोनों को साथ में ही वापस उसकी जगह में रिलीज कर सकेंगे। एक रेबीज वाला केस आएगा वो सर, उन लोगों को पता नहीं था कि ये रेबीज डॉग है। वहाँ पे हुआ ये कि किसी ने उसको बहुत ज्यादा मारा था जिसके वजह से वो चल नहीं पा रहा था, आगे के पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। हमने उनको ये बोला कि आप लेके जाओ डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि उस पेन किलर लगा दे और बोला कि आप इसको कहीं और लेके जाओ, हमसे नहीं होगा। हाँ मैं कैसे बताऊँ क्या टूटा है क्या नहीं, मैं कैसे बताऊं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि एक्सरे करवाओ इसका, अब उन्होंने कुछ ज्यादा उनको इन्फॉर्म नहीं किया। फिर उन्होंने फिर से हमें कांटेक्ट किया तो मैंने बोला आप ले ही आओ क्योंकि डॉग की कंडीशन बहुत खराब है। डायग्नोसिस पे पता चला कि डॉग रेबीज हो सकता है तो फिर हमको उसको पुट डाउन करना। तो ये कल आया है ना अबैंडनड है, ग्राउंड में नहीं सर, ग्राउंड में दो दिन से ये पड़ा हुआ था, बारिश में भीग रहा है और उसके बाद ये शायद ना इसकी इस वाले हिस्से में किसी ने मारा है जोर से, टक्कर लगी होगी। टक्कर नहीं लगी, की पूंछ में फ्रैक्चर है और ये वाले हिस्से में ये जो डेंट्स है। हाँ जी सर, अभी उम्मीद है क्योंकि स्पाइन नहीं टूटी है तो अभी हम इस पे वर्क कर रहे हैं नर्व इंजेक्शन और बाकी ट्रीटमेंट के साथ में। कल तो ये थोड़ा बहुत खड़ा हुआ भी था, हल्का सा उठाने पे ना। ये चॉकलेट से कलर का है ना, जैसे हमारे पास एक डार्क चॉकलेट करके एक बछड़ा आया था वैसा लग रहा है। इसकी काफी इम्प्रूवमेंट है मधुबाला की ना। हाँ जी सर, उस टाइम मैंने बताया था सूजन कम होगी, उसके बाद हम कोशिश करेंगे अगर बोन अंदर हो जाती है तो, और स्प्लिंट करेंगे ताकि वो फिक्स रहे। इसका काफी टाइम बाद अभी हमने स्प्लिंट ओपन किया है और अच्छे से बोन अंदर सेटल हो गई है, फिर भी अभी पस है तो थोड़ी और ट्रीटमेंट अभी इसकी चलेगी सर। फिर से स्प्लिंटिंग रखेंगे थोड़ा दिन और ना, थोड़ा दिन और, अभी सिर्फ 15 डेज रखी थी चेंज करने के लिए। अच्छा, ये सड़ ना जाए कुछ ऐसा ना हो जाए, ये मौसम ही खराब रहता है। एक तो इसमें इंजरीज ज्यादा आती हैं, इसमें सर्जरी करो तो कॉम्प्लिकेशन आती है। एक तो इंस्पेक्टर विजय का उस दिन वो ठीक लग रहा था, हमने अपडेट लिया उसका लेकिन हमने वो डाला नहीं कि वो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था। हम कोशिश कर रहे हैं 6-7 मिनट में करें, अब सर उसकी कंडीशन तो खराब हुई इसलिए हमने उस दिन उसको धूप में रखा था ताकि थोड़ा उसको बेटर फील हो। खाना नहीं खा रहा था, हम रोज उसको डॉक्टर हिमांशु एक्चुअली उसको अपने हाथ से खाना खिलाते रोज शाम को भी। कहीं पे ना ये चीज मुझे तब्दीली फील कराती है क्योंकि ये डॉग यहाँ पे आया, साहिल बता रहा था जब ये पहले आया था, इसका नाम हमने बोई रखा था बहुत समय पहले, इसका कोई केयर टेकर था उसी की निगरानी में हमने छोड़ा था, प्लस्तर लगा के कोन लगा के बाद में मतलब ये पूरी तरह हील हो गया लेकिन था तो सड़क पे ही भाई। अब देसी डॉग ऐसा तो है नहीं कि भाई रॉटवाइलर हैं पग हैं जो अडॉप्ट हो जाएंगे, और फिर अब उसका एक्सीडेंट हुआ इतना और ये तड़प तड़प के ही गया ये। आई गेस क्योंकि कंडीशन बहुत खराब थी उसकी। क्या जो है सो है, हमने आपको यही कहा था कि जो भी होगा हम आपको फ्रीक्वेंटली अपडेटेड रखेंगे, चाहे ये आपको जैसा महसूस कराए चाहे हमें जैसा महसूस कराए।